बना लो वीडियो, बना लो। बनता रहो, ये तुम्हें छा डर नहीं है, तुम्हें डर नहीं है टीआई साहब का? टीआई साहब का अरे रुक जा, बनता रहो, ये तुम्हें छा डर नहीं है, तुम्हें डर नहीं है टीआई साहब का? टीआई साहब का अरे वीडियो बना लो। अब रुक जा, बनता रहो, ये तुम्हें छा डर नहीं है, तुम्हें डर नहीं है टीआई साहब का? टीआई साहब का। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। टाउन हॉल तिराहे पर लगा जाम, साहब बैठकर मसलते रहे तंबाकू। पूछने पर बोले, यहां तो रोज लगता है जाम, हम क्या करें। होमगार्ड टाउन हॉल तिराहे पर बैठकर सिर्फ बढ़ाते हैं शहर की शोभा। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फरुखाबाद शहर के टाउन हॉल तिराहे पर जाम लगा था। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड आराम से बैठे तंबाकू रगड़ रहे थे। हमारे संवाददाता के पूछने पर साहब बिगड़ गए। और ये खबर है हमारे संवाददाता देवराज सिंह की। फरुखाबाद में जाम लगना कोई नई बात नहीं, जाम की झाम से जनपद का पुराना रिश्ता है, परंतु प्रशासन अपनी पूरी ईमानदारी से जाम की समस्या से निजात दिलाने में लगा है। परंतु ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ही जब अपने कार्य को अंजाम नहीं देते तो प्रशासन क्या करे। हम बात करते हैं टाउन हॉल तिराहे की, जहां भीषण जाम लगा गया, जिस जाम में हमारे संवाददाता देवराज सिंह भी फंस गए। मानवता व देश के प्रति प्रेम होने के नाते उन्होंने जाम खुलवाने का प्रयास किया। वहीं पर ड्यूटी पर तैनात कृष्ण कुमार मिश्रा पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह आराम से बैठकर तंबाकू रगड़ रहे थे। हमारे संवाददाता ने जब उनसे जाम के खुलवाने के बारे में कहा तो साहब भड़क गए और कहने लगे कि हम क्या करें, जाम तो रोज लगता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब हमारे संवाददाता ने बताया कि मैं एक पत्रकार हूं, तो साहब बोले, हमारे पीछे क्यों पड़े हो, जाओ चौक घूमना, लाल दरवाजा जाकर देखो, वीडियो बनाओ, वहां भी तो जाम लगा है। और वीडियो बनाकर क्या कर लोगे, टीआई साहब भी मेरा क्या कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमारे जिले के उच्च अधिकारी रात दिन शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और परंतु नीचे के कर्मचारी उच्च अधिकारियों की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इन्हें ना तो उच्च अधिकारियों का डर है और ना ही जन समस्या से कोई लेना देना। साहब सुबह पर ड्यूटी पर आकर अपनी कुर्सी संभाल लेते हैं और बैठकर चाय तंबाकू का सेवन करते हैं, और ड्यूटी का समय समाप्त तो होते ही वहां से चले जाते हैं। परंतु आप कहीं नहीं जाइए, हम लौटेंगे जल्द ही दूसरी खबर के साथ। और मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। खबर के बारे में यदि आपकी कोई राय है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।